इटारसी जनपद के रोहनिया थाने के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, रोहनिया पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों तस्कर होंडा सिटी कार से 50 किलो गांजा लेकर बिहार से कानपुर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अखरी चौराहे के पास दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर में एक का नाम अकरम खान व दूसरे का नाम चंद्रशेखर मंडल है, जो भागलपुर बिहार के निवासी हैं। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर कृष्णा सिंह की ये रिपोर्ट। क्या है रोहनिया थाने की पुलिस टीम ने गांजा, अवैध गांजा जो है पकड़ा है, 50 किलोग्राम गांजा है और इसमें एक होंडा सिटी कार भी बरामद हुई है, जो उसका संभवतः नंबर प्लेट बदला गया है और उसको भी ट्रेस किया जा रहा है कि ये कार चोरी की या अन्य किसी आपराधिक घटना में तो प्रयुक्त नहीं हुई है। दो अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसका पूरा लिंकेजेस ट्रेस किए जा रहे हैं कि ये किसको बेचने ला रहे थे और बिहार से लेके आ रहे थे और किसके थ्रू ला रहे थे, सारे एज ए कैरियर एक्ट कर रहे थे या ये मेन लोग, इसके बारे में और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में। सर, बिहार से कहाँ बेचने के लिए ले जा रहे थे? बिहार से वाराणसी और आसपास के जनपदों में बेचने के लिए लोग जा रहे थे। इसके बारे में लोग और विवेचना और जाँच कर रहे थे।